नमस्कार दोस्तों, टुपा लाइफ में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरेशन कैसे होता है उस पर बात करेंगे। हाइड्रोजन कुछ कलर ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रेड होते हैं। ब्लू है, ग्रे है, आपका ग्रीन है। तो ये किस मेथड से बनती है उस पर डिपेंड करता है, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। आज हम बात करेंगे स्टीम रिफॉर्मिंग और जो हमारा प्रोपेन ब्यूटेन होता है जिससे हम हाइड्रोजन बनाएंगे, आज उस मेथड पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो हम बना रहे हैं हाइड्रोजन, वो बना रहे हैं प्रोपेन और ब्यूटेन से, यानी कि कुल मिला के C12C4। ठीक है, सिर्फ इतने की ही बात करेंगे, इससे हमारी जो हाइड्रोजन बन रही है उससे। ठीक, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ से हमारा जो आ रहा है वो है फीड। ठीक, फीड यानी C1 to C4 तक हमारा जो है हाइड्रोकार्बन है, हल्का ही है। वो उसके लिए हमने एक हीट एक्सचेंजर लगा रखा है, वो एक यूनिट, ये आप कह सकते हैं डीसल्फराइजर। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं डीसल्फराइजर। मैं इसे लिख देता हूँ ये, ठीक है ना, डी सल्फराइजेशन। ओके, यहाँ थोड़ा सा ये डीसल्फराइजर है हमारा। ठीक है, तो डीसल्फराइजर ये सेक्शन है, इसमें हमारा H2S जो आ रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको उसके आगे फर्दर जो प्रोसेस है उसकी एक इसके अंदर जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है वो देख लेते हैं हम। पहले केमिकल इसमें जो आ रहा है वो क्या है, H2S को एब्जॉर्ब करा रहे हैं। कैटलिस्ट हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस प्लस H2S। इसमें मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेन रिएक्शन है जो इसमें हो रही है उसे कंसिडर करेंगे, फर्दर जो चीज़ें हैं उसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें, ठीक है, ये सल्फर एब्जॉर्ब हमने करा दिया और हमें क्या मिलेगा, NO3, सॉरी NO3। ठीक है, इस सेक्शन में हमने एब्जॉर्व करा दिया, ये रिएक्शन सिर्फ इतने में हो रही है। ठीक है, इसे डीसल्फराइजर कहते हैं। वैसे तो दो रिएक्टर होते हैं जिसमें रिएक्शन होती है, दूसरे में जाके एब्जॉर्ब होती है। तो एक तरीके का एब्जॉर्बर है जिसमें हमारा इतना एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, तो इसमें जो हमने क्या करा, यहाँ से जो फीड इनलेट कराया था उसका टेम्परेचर राइज करा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है हीट एक्सचेंजर। ठीक, इसे हमने स्टीम या अदर मीडिया से हीटअप किया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके उसे रिएक्टर में इनलेट दे दिया, जहाँ पे हमारा क्या था, PVS के रूप में हमारा H2S जो है एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से जो निकला, यहाँ से ये आया फर्दर, ये इधर गया, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 362 9 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़े, ओ सॉरी, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक आगे। ये जो है रिफॉर्मर में हमारी हीट देनी पड़ रही है, इसलिए हमारे को एंडोथर्मिक है, ये एक फर्नेस है। रिफॉर्मर हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रिफॉर्मिंग हो रही है और इस तरीके की कुछ ट्यूब सीरीज में लगी होती है। ठीक, यहाँ पे मैंने ये फ्यूलिंग सिस्टम दे रखा है, ये जो ड्रॉ किया है ब्लू कलर से, ये फ्यूल है, ये बर्नर्स हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, ये साइट फायर होते हैं इस तरीके से, और इसमें मैंने जो ड्रॉ किए हुए हैं वो टॉप फायर है। ठीक है, ये टॉप फायर है, साइट फायर भी आता है। ठीक, उसमें अलग अलग रीजंस होते हैं, फिलहाल इस पर ही डिस्कस करेंगे हम। तो ये इस तरीके से हमारी कुछ ट्यूब्स हैं जो सिक्वेंस में लगी हुई हैं, जिसमें हमारा कैटलिस्ट नीमो बेस्ड यूज हो रहा है। ये रिकवरी सेक्शन है, जो इसमें से फ्लू गैसेज आएंगी वो रिकवरी सेक्शन है कि हम यहाँ पे हीट का यूज कर सकते हैं। और ये हमारा है स्टैक, ये चल नहीं रहा यार। ठीक है, ये हमारा स्टैक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन मार्कर एक तो यार गड़बड़ कर रहे हैं। रिएक्शन हमने क्या लिखा, इसमें टूट रहा है तो ये हमारा इस तरीके से ले लेंगे हम, प्लस
H2O, ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ में M है, H2O, N, 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 M, ठीक। यहाँ पे हमने क्या दी है, ये जा रही है हमारी स्टीम, ठीक। इसमें एंटर कराने से पहले हमने स्टीम दी है प्रेशराइज करके, स्टीम को हमने क्या करा है इसमें मिक्स करके यहाँ पे ले गए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो रिएक्शन हुई है। तो ये चीज़ किस में टूट गई है हमारी, ये हो गया हमारा MCO प्लस हाफ N प्लस MH2, ठीक। ये रिएक्शन में टूटा फर्स्ट, एक रिएक्शन तो हमारी ये हो गई, ठीक है, और एक रिएक्शन हमारी क्या होगी जिसमें हमारा CO बन रहा होगा, ठीक। इसमें तो हमारा CO भी बनेगा ना, ठीक। तो ये हमारी स्लाइडली एक्सोथर्मिक, बाकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती। तो इसमें जो CO फॉर्म हुआ है उसे क्या करेंगे हम, उसे फर्दर आगे ट्रीट करेंगे। CO किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन इसके लिए हो गई, ठीक। अब इसकी बारी आती है, तो CO के साथ हम क्या दे रहे हैं, FeO2, ठीक। तो ये क्या बनाएगा हमारा CO2, ठीक है। तो इसमें क्या करा ये, ठीक, 2CO2, 1, 2, 3, 4, हाँ, 2CO2 प्लस Fe, ये दोनों रिएक्टर में हो रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है रिफॉर्मर, ये स्टैक हो गई, क्लियर। इसके आगे फर्दर जब मटेरियल ले जाया जाता है तो ये ध्यान रखिए, इसमें हमने हीट दी है तो मटेरियल हमारा ज्यादा हीट अप हो चुका है, तो उसे हमने यहाँ क्या करा है, कूल किया है थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। कूलिंग वाटर होगा या कोई भी कूलिंग मीडियम जिससे हमने हीट एक्सचेंजर में इसे ठंडा कर लिया। फर्दर ठंडा करके हम इसमें ले जाएंगे। ठंडा करने का रीजन क्या है कि ये जो सेक्शन है उसे हम कहते हैं HTS, हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर। इसमें क्या होता है हमारा CO, CO2 में कन्वर्ट होती है FeO2, यानी फेरस वो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये हमारा इसमें कैटलिस्ट है, ठीक है। तो एक ये है HTSC और ये है LTSC, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कूल करके ले गए, इसमें जैसे ही हमने इनलेट दिया तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने इसे इसमें डाला। अब ऐसा क्या है कि अच्छा ठीक है पूरा गर्म ही भेज देते तो कोक फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए हमने उसे पहले ठंडा करा, यहाँ लेके गए, इसमें हमें हीट देने की जरूरत नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना याद रखना है। जैसे ही उसे हमने ट्रीट करा तो क्या मिला हमें यहाँ पे, यहाँ पे आके हमारा क्या हो गया, CO2 में कन्वर्ट हुआ, जो कुछ अनकन्वर्टेड रह गया। तो फर्दर हम इसे लेके गए LTS में, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर यहाँ से फिर से हमने ड्रॉप किया कूल करके, इसमें लेके गए, फिर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, ठीक है ना, जो डेल्टी है वो राइज होगा। उसके बाद फिर वो जो भी यहाँ से निकलेगा तो उसे हम किस में लेके जाएंगे, KOH। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ तक हमारी तो CO2 बन गई, जो हमारी CO2 थी, CO को हमने CO2 में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हम ले गए इसके अंदर, तो KOH के साथ क्या हुआ, उसने रिएक्ट किया, ये हमारा इसे KOH है, इसके साथ CO2 ने रिएक्ट करा, तो वो हमें क्या दे देगी, H2O, H2O और प्लस के K2CO3, ठीक है, ये हमें दे दिया। अब इसके आगे क्या ले जाएंगे, ये रिएक्शन देखिए ना, ये वाली रिएक्शन जो है ये किसके लिए है, ये रिएक्शन है हमारी इसके लिए। अब इसके आगे जब हम लेके जाएंगे, अब यहाँ पे तो पानी बन गया, पानी का क्या होगा, पानी इसके अंदर लेके गए, यहाँ से इसे इनलेट दिया, इसके अंदर से निकला, अब इसे हमें गर्म करने की ज़रूरत है क्योंकि इसे तो हमें वेपर फॉर्म में रखना है, तो इसे हमने हीटअप किया इसी के बॉटम से, ये हमारा रिबॉयलर लगा हुआ था, इसी के बॉटम से हीटअप करते हुए इसमें हमने डाला, ये जो एक्सचेंजर है ये कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए वेपर फॉर्म में लेकर कंडेंस करेगा, फिर इसे वापस डालेगा लिक्विड को, स्ट्रिपिंग सेक्शन है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा है एब्जॉर्वर, ये हमारा है स्ट्रिपर, और स्ट्रिपर के बाद क्या हुआ,
जब स्ट्रिपर में आया, ये हमारा क्या लगा हुआ है, रिबॉयलर है। अब देखो आप कहेंगे कि ये हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर, सबके तो सिंबल सेम ही है, सबके सिंबल सेम है, पर हो क्या रहा है कि ये रिबॉयलर हैगा, ये कूलिंग के लिए है, ये हीटिंग के लिए है। तो प्रोसेस का मीडियम समझिए कि उसके आगे हो क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो ये रिबॉयलर है, ये कूलर है, ये कंडेंस करके इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए जो डिस्टिलेशन कॉलम एग्जैक्टली करता है, तो स्ट्रिपर यही है। यहां से जो प्रोडक्ट निकला उसे हमने फर्दर क्या करा, इस वाले को हीटअप करते हुए कूल करा, फिर आगे फर्दर कूल करके हम कहाँ ले गए, टॉप में फिर से इसमें दे दिया। अब इस टॉप से हमें जो मिल रहा है, ये हमारा मेन जा रहा है, H2 हो गया, CO2 हो गया, कुछ इसमें CH4 होगा, कुछ N2 होगा। तो इसे हमने फर्दर क्या करा, फिर ठंडा करा और इसे ले जाया गए हम इसमें मेथनेटर में। मेथनेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो CO है, जो CO है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ नीमो क्या कन्वर्ट कर देगी, CH4 ये बनाएगी। ये एग्जैक्टली इसका काम है। तो यहाँ पे हमारा जो है CO2, सॉरी CO2 की बात हो रही है, CO2 यहाँ पे अब्जॉर्ब हुआ, बाकी जो हमें मिला वो मिली हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। और इसे हम कहते हैं कंप्रेसर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ से हम ठंडी करके लेके आए, कंप्रेसर में दिए और कंप्रेस करके फर्दर हमारा जो है प्रोडक्ट निकल गया, ये ही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नोट करने वाली चीज इसमें क्या है, आप पहले ये देख लें कि ये हमारा एक रिएक्टर है, ये रिएक्टर है जिसे हम HTS LTS रिएक्टर कहते हैं। फर्दर हमारा क्या मिलेगा, एब्जॉर्बर मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा, स्ट्रिपर कॉलम है जो, उसके बाद हमारा मेथनेटर है। तो ये हम किससे बना रहा है, प्रोपेन और ब्यूटेन से बनाई हुई हमारी स्टीम रिफॉर्मिंग की हाइड्रोजन जनरेशन है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आपने जनरेट की वो उसके लिए फीड किया था, ये आपका फीड था C3H8 C4H10, और ओवरऑल आप कह सकते हैं C1 to C4 तक आपने लिया, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा सल्फर था, तो उसके लिए हमने एक डिसल्फराइजेशन सेक्शन दिया। ये रिएक्टर है जिसमें हमने लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करा के वहाँ पे H2H को एब्जॉर्ब करा लिया, ठीक। फर्दर उसे रिफॉर्मर में ले गए, वहाँ पे अब जैसे यहाँ पे जो है ना, इसमें जो हमारा बना, इसमें जो हमारा बना था PbS बना था, ठीक है, और उसके बाद क्या बना था, 2HNO3 बना था शायद, है ना, PbS PbN3 2, हाँ 2HNO3 बना था। तो ये 85 डिग्री सेल्सियस पे वेपर फॉर्म में रहता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो हमारा टेम्परेचर तो वैसे ही राइज रह रहा था, तो इसे हम जब लेके गए तो यहाँ पे इनलेट का टेम्परेचर कुछ रहेगा आपका 150 से 200, नहीं, 150 200 नहीं रहेगा यार, ये कम 350 to 400 समथिंग रहता है। फिर यहाँ पे जब लेके आते हैं तो इसका 760 to 910 तक हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। यही रिफॉर्मर है, इसमें सेवरल टाइप बर्नर्स और हमारी इसी सीक्वेंस में सीरीज में ट्यूब्स लगी होती हैं, यहाँ साइड में, यहाँ साइड में टॉप फायर में बर्नर लगे हुए हैं। उसका जो फ्लू गैसेज होती हैं वो ये स्टैक के थ्रू बाहर कर दी जाती हैं। अब फ्लू गैसेस का टेम्परेचर भी हाई होता है तो उसे रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए ये रिकवरी सेक्शन दे रखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ से जो निकली, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से निकली तो अब टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा हाई है कि अब उसे रिकवर करना पड़ेगा। तो वो फिर से हमने यहाँ पर रिकवर करा कूलिंग वाटर या अदर कूल मीडिया के थ्रू, ठीक है। ये हीट एक्सचेंजर लगाया, यहाँ से कूलिंग मीडिया दिया और ये हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। रीजन क्या है, ये तो एंडोथर्मिक थी, ये एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर और ज्यादा रहा तो फिर क्या हो जाएगा, कोफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई हाइड्रोकार्बन में है, कोई भी मटेरियल हाइड्रोकार्बन का 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो कोफॉर्मेशन होने लगेगा, तो वो हमें कम करना है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें हमारा कहते हैं 800 900 के इधर टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो इसमें कोफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा। अब ये कोफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टीम दी है, स्टीम हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देते हैं जिससे कि हमारा CO कम फॉर्म हो और जो हमारा मटेरियल जा रहा है, प्रोपेन ब्यूटेन जा रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन कम रहे, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में हम इतना देते हैं स्टीम को, क्लियर। स्टीम से हमें उसकी रिफॉर्मिंग करा रहे हैं, इसलिए ये हमारा स्टीम रिफॉर्मिंग सेक्शन है। आगे बढ़े, आगे हम कहाँ ले गए, इसके अंदर ले गए, तो HTS और LTS सेक्शन है।
अब एचटीएस और एलटीएस सेक्शन क्यों देने के बजाय सिर्फ एलटीएस सेक्शन दे देते? ठीक है, कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ एमटीएस सी सेक्शन ही होता है, मीडियम टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि सीओ को सीओ2 में कन्वर्ट किया जाता है जिससे ज्यादा हाइड्रोजन मिल पाए। दो देने के रीजन क्या है, आप ऐसा समझो कि 500 डिग्री सेल्सियस का कोई मटेरियल है और अचानक मैं उसे 250 पे ले आऊं, क्या होगा? ठीक है ना, तो अचानक से कंडेंसेशन, फिर वो लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट करने लगेगा, वो हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे कूल करा, इसमें लेके गए, फिर से टेम्परेचर राइज करा, फिर कूल करते हैं उसे, फिर इसमें लेके आते हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर यहाँ से जो थोड़ा बहुत बचता है उसे कन्वर्ट करा के आगे ले गए। तो अब जो हमें CO2 है, CO2 को एब्जॉर्ब कराना है। ठीक है, तो CO2 एब्जॉर्ब कराने के लिए N2 को ऑब्जॉर्ब कराने के लिए और आपका SO2 को एब्जॉर्ब कराने के लिए, इसके लिए हमारा KOH दे रखा है, इससे रिएक्ट करके हम इसे ले जाते हैं, इधर कूल किया हमने, वो हॉट किया, फिर उसे स्ट्रिपर में डाल दिया। अब स्ट्रिपर ध्यान रखना, स्ट्रिपर में एक रिबॉयलर होगा, टॉप पे एक कंडेंसेशन दे रखा होगा, जो टॉप से मटेरियल निकलेगा उसे कंडेंस करेगा, फिर फर्दर उसे डाल देगा उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे आया, मतलब कंसेंट्रेशन के प्योरिटी से मामला है कि और ज़्यादा प्योर हो जाए, वो यहाँ पे हमारा प्योर हुआ, उसे हमने फिर इसमें डाल दिया। तो यहाँ से जो टॉप से जो हमारी गैसेस निकली वो क्या है, CH4 भी होगी, इसमें CO2 भी होगा, H2 होगा, N2 होगा, उसे ले गए, ठंडा करा और मेथनेटर में पहुँचा दिया। मेथनेटर में रिएक्शन हुई, यहाँ से फिर हमें हाइड्रोजन मिली। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन मिली, यहाँ से हमारे से ये जो सेक्शन है ये हमारा CO2 को बाहर कर रहा है। ठीक, तो इस पूरे उसमें यही था केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको बता दी किस रिएक्टर में कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसका आप चाहें तो नोट्स बना लें। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, यानी कि मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आपको लगे कि मैं टीचर हूँ कोई, तो वो मैं नहीं हूँ, मैं एक इंडस्ट्री में जो चीज़ सीखता हूँ उसके बेसिस पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अगर ये आपको हेल्पफुल है तो इट्स गुड, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है देन इट्स टू गुड। तो आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली क्या आपके लिए हेल्पफुल है, मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।